सब्सक्राइब कीजिए हमारे चैनल को और बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए ताकि आने वाली वीडियो हमारी आप तक पहुंचे सबसे पहले। आज हम बाजार जैसी बिल्कुल सफ़ेद मावा बर्फ़ी की रेसिपी लेके आए हैं, जिसे हम बिना दूध और बिना मावा के ही बनाएंगे। तो चलिए इसे बनाना शुरू करते हैं और देखते हैं किन किन सामान की ज़रूरत पड़ेगी। अगर रेसिपी पसंद आ जाए तो रेसिपी को लाइक करिएगा। तो चलिए इस मिठाई को बनाना शुरू करते हैं। बनाने के लिए मैंने यहाँ पे पाव ले लिया है, कोई भी प्लेट या कोई भी बर्तन का इस्तेमाल कर सकते हैं आप। अब हम इसमें डालेंगे मलाई। तो हमें यहाँ पे बिल्कुल ताज़ी मलाई चाहिए है और जिसका हमें दूध नहीं चाहिए है। दूध को हम साइड कर देंगे और 3 चम्मच हम यहाँ पर मलाई का इस्तेमाल करेंगे। बस इतनी ही मलाई डालेंगे हम इस मिठाई को बनने के लिए। मलाई बिल्कुल ताज़ी होनी चाहिए और साथ में हमें डालना है पिसी हुई चीनी। अगर आपके पास पिसी हुई चीनी नहीं है तो मिक्सी के जार में डालकर आप इसे पीस सकते हैं, या फिर इसकी जगह आप शहद का भी इस्तेमाल कर सकते हैं। 2 चम्मच शहद भी डाल सकते हैं। चीनी को हमें बस इस तरह से फेंट लेना है, बहुत ज़्यादा चीनी नहीं डालनी है इस मिठाई में। बस 2 से 3 मिनट के लिए हम इसे इस तरह से फेंटेंगे, जब तक कि अच्छा हल्का सा मावा के जैसे ये दिखने न लगे और बहुत ही हल्का लाइट हो जाएगा जब ये मावा के जैसे दिखने लगेगा। जैसे मैं बता रही हूँ, बिल्कुल इजी और सरल तरीका है ये मिठाई बनाने का। और देखिए ये कितना हल्का बढ़िया मावा के जैसे ये दिखने लगा है, सिर्फ चीनी और मलाई से ही। तो बस थोड़ा और हम इसे फेंट लेते हैं। जितना बढ़िया हम इसे फेंट लेंगे, मिठाई हमारी उतनी ही बढ़िया बनके तैयार हो जाएगी। तो इस मिठाई को आप कभी भी मेहमान के आने पर 10 मिनट में बना के रख सकते हैं। अब मैंने यहाँ पे मिल्क पाउडर लिया है और पूरा 1/2 कप ये है। ये बहुत ही इजीली सब जगह पर मिल जाता है, आप कोई भी कंपनी का मिल्क पाउडर ले सकते हैं। और अब हम मिल्क पाउडर डालकर इसे अच्छे से मिला लेते हैं। इसे हम थोड़ा थोड़ा करके ही डालेंगे और अच्छे से मिलाते जाएंगे। और इस तरह से अब हम चम्मच को साइड रख देंगे, हाथों से अच्छे से मिक्स करेंगे। हाथों से बहुत ही बढ़िया मिक्स होगा, इसलिए मैं यहाँ पे हाथ से इसे मिक्स कर रही हूँ। अच्छे से हमें इसे मिक्स कर लेना है। अगर आप बर्फ़ी को ज़्यादा बनाना चाहते हैं तो इसमें ड्राई कोकोनट डाल सकते हैं। जो गरी का बुरादा है वो 1/2 कप इसमें डाल सकते हैं, पर मैंने यहाँ पे सिर्फ मिल्क पाउडर से ही इस मिठाई को बनाया है। आप चाहें तो 1/2 कप इसमें ड्राई कोकोनट का भी इस्तेमाल कर सकते हैं। अब हम इन सारी चीज़ों को 2 मिनट के लिए अच्छे से फेंट लेते हैं। इन्हें हमें अच्छे से फेंटना ज़रूरी है, क्योंकि मिठाई को हम पका नहीं रहे हैं तो इसे हम अच्छे से फेंट कर ही सेट करने के लिए रखेंगे। तो इस तरह से हम इसे फेंट लेते हैं और एक डो की तरह ही ये कंबाइंड होने लगेगा। आप देखें कितना बढ़िया ये बनके तैयार हो गया है। तो बस अब इसे हमें सेट करने के लिए रख देना है ताकि ये अच्छे से सेट हो जाए और ईजली ही हमारी बर्फ़ी बनके तैयार हो जाएगी। उम्मीद है कि आपको ये रेसिपी ज़रूर पसंद आएगी। अब मैं यहाँ पे इलायची एसेंस डाल दी हूँ और अच्छे से इसे मिला दूँगी। आप इसमें इलायची का पाउडर भी डाल सकते हैं। अगर आप कटे हुए ड्राई फ्रूट डालना चाहें तो वो भी इस समय डाल सकते हैं। और डो हमारा बर्फ़ी के लिए तैयार है। तो मैंने एक ट्रे ले ली थी और उस पर बटर पेपर लगाकर मैंने इस पर तेल लगा दिया था। आप चाहें तो किसी प्लेट या थाली की सहायता पर भी इसे फैला सकते हैं बिना बटर पेपर के। और अब हम चम्मच की सहायता से इस तरह से अच्छे से इसे चिकना कर देंगे ताकि ये देखने में काफ़ी खूबसूरत लगे और जब हम काटें तो ये अच्छे से पीस के पीस कट जाए। तो इस तरह से हाथों से भी हम इसे अच्छे से सेट कर देंगे। ये अच्छे से सेट हो गई है। तो अब हम इसके ऊपर ड्राई फ्रूट डाल देंगे। तो मैंने यहाँ पे थोड़े से बादाम और पिस्ता ले लिए हैं और उंगलियों से इस तरह से दबा देंगे ताकि इसमें चिपक जाएं।
और थोड़ी थोड़ी दूर पर हम इसे फैला देंगे, क्योंकि बीच से हम मिठाई को काटेंगे। और इस तरह से मैंने इसके ऊपर ड्राई फ्रूट फैला दिए हैं। और देखिए कितनी खूबसूरत हमारी मिठाई बनके तैयार हो गई है। अब हम इसे 10 मिनट के लिए रख देंगे फ्रिज में। फ्रिज में ये अच्छे से सेट हो जाएगी और 10 से 15 मिनट बाद हम इसे निकालेंगे, देखेंगे कि कितनी बढ़िया ये सेट हुई है। तो अब हम इसे पीसेस में कट कर लेते हैं। जैसे पीस आप चाहें तो काट सकते हैं, पर भी एक नए अंदाज में काटेंगे तो बहुत ही खूबसूरत लगेगी। तो मैंने यहाँ पे इस तरह से इसे लंबे लंबे पीसेस में कट कर लिया है। अब हम इसे आपको निकाल के दिखाएंगे कितनी सॉफ्ट और मुलायम हमारी बर्फी बनके तैयार हुई है। बहुत ही इजी तरीका है ये मिठाई बनाने का। और इस मिठाई को आप फ्रिज में रख कर ही स्टोर करें। मिलेंगे इसी तरह की और नई वीडियो के साथ।